एटीपी फिल्म चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसटीवी फिल्म्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो एमआईडी में आपका माइलेज शो होता है कि आपने जो ट्रिप किया है उसका क्या एवरेज निकला है माइलेज का, उसे रीसेट कैसे करें, उसे ज़ीरो कैसे करें और ये ज़ीरो करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप लोग अपनी एमआईडी में अपना माइलेज देखते हो कि क्या एवरेज मिला है आपको और अगर आप उसे ज़ीरो नहीं करते हो तो कभी भी आप सही अपने ट्रिप का माइलेज नहीं देख पाओगे। एमआईडी में देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट शो नहीं होता है, एक दो किलोमीटर का ज़्यादा ही दिखता है या कभी कभी, मैंने पिछले अपने एक वीडियो में दिखाया था जिसमें मैंने माइलेज टेस्ट किया था उसमें तो कम भी दिखा था, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन वो कैसे लगेगा जब तक आप उसे ज़ीरो नहीं करेंगे। मान लीजिए मैंने पहले एक ट्रिप किया 100 किलोमीटर का और उसमें मैंने बहुत ही अच्छी कायदे से ड्राइविंग की, बहुत लाइटली, और उसमें मुझे एवरेज मिला 18-19-20 का। और अभी मैं एक और ट्रिप कर रहा हूँ जो काफ़ी हैवी फुट पे मैंने ड्राइविंग की, काफ़ी स्पीड में चलाई कार, और पिछला वाला अगर मैंने रीसेट नहीं किया होगा और इस बार मान लीजिए मुझे ट्रैफिक ज़्यादा था 14-15 का एवरेज मिला, तो वो दोनों ट्रिप का मिला के फिर आपको एवरेज शो करेगा। आपको पर्टिकुलर एक ट्रिप का फिर वो नहीं बता पाएगा और फिर वो ऐसे ही मिक्स होता रहेगा और कभी भी आप सही से नहीं देख पाओगे। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे पिछले ट्रिप का जो एवरेज दिख रहा है वो 17.1 का दिख रहा है और अभी मैं फिर से एक ट्रिप करता हूँ तो वो इसमें मर्ज हो जाएगा और फिर दोनों का मिला के एवरेज आपको दिखाएगा। तो ट्रिप से पहले आपको ये जो माइलेज ये दिखता है आपको एमआईडी में मीटर में, इसे आपको ज़ीरो कर लेना चाहिए, रीसेट कर लेना चाहिए। तो इसे आप कैसे रीसेट करेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए दो नॉब्स होती हैं, अभी मैं अपनी बलेनो डेल्टा में हूँ, मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ और ज़्यादातर मारुति की तो गाड़ियों में सेम ही होगा प्रोसेस। तो एक ये राइट हैंड साइड में नॉब है और एक ये लेफ्ट हैंड साइड में नॉब है। नॉर्मली आप देखते हैं कि ये हो गया टोटल किलोमीटर, गाड़ी टोटल कितनी चली है, ये हो गया ट्रिप ए, ये ट्रिप बी, और दूसरी नॉब को जब आप प्रेस करेंगे तो ये हो गया एवरेज आपके ट्रिप का, ये रेंज हो गई कि अभी जितना फ्यूल है उतने फ्यूल में कितना चलेगी, ये आपका लाइव इसमें माइलेज शो होता है, एवरेज शो होता है जब आप गाड़ी आपकी चल रही होती है। तो ज़्यादातर लोग मैंने देखा इसी पर रखते हैं। तो जब आप ये राइट हैंड साइड वाली नॉब को पुश करोगे तो ये एवरेज आ गया आपके ट्रिप का। अब आपको इसे ज़ीरो कैसे करना है, रीसेट कैसे करना है, ये राइट साइड वाली नॉब को आप कुछ सेकेंड्स के लिए पुश कर रहे होगे और जब आप छोड़ोगे तो ये देखिए ये रीसेट हो गया, अब ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अब आपके ये उस पर्टिकुलर ट्रिप का एवरेज शो करेगा जो अब आप इस ज़ीरो के बाद करोगे, तभी आपको एक सही अंदाज़ा मिल पाएगा इस एवरेज से। जब आप सारे मर्ज कर देते हो आपस में सारे ट्रिप्स का, कभी आपने बहुत ज़्यादा तेज़ चलाई, कभी स्लो चलाई या कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में आप रहे, तो फिर वो सही नहीं बता पाता है फिर। तो ऐसे आप ज़ीरो कर लें अपने ट्रिप से पहले इसे और बाद में जब आप वापस आके चेक करेंगे तब आपको जो माइलेज शो होगा वो ठीक ठाक शो होगा, एक या 1.5 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है, बाकी एक अच्छा अंदाज़ा लग जाता है इससे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल था माइलेज मीटर को रीसेट करना, ज़ीरो करना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।